डायग्नास्टिक पीचर्स ऑफ बोलेमावोसा सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दोज सिम्ट जिनकी फर्दर एक्सप्लेशन जो है वो रिक्वायर्ड है और हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जो डिफरेंट बोलेमावोसा के फीचर्स हैं उनको हम किस तरह बेटर फॉर्म में कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं या किस तरह की जो पिक्चर है वो क्लाइंट आपको प्रजेंट करेगा फर्स्ट पॉइंट जो उसमें अंडरस्टैंड करने वाला है वो ये है कि जो फूड वो एबनॉर्मली टेक कर रहा है वो बेसिकली इसलिए टेक नहीं करा कि उसने कोई स्पेसिफिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको फिलफिल करना है ठीक है वो वो फ़ूड भी ले रहा है जो यूजुअली दूसरे लोग अवॉइड करते हैं अब इसका क्या मतलब है कि अगर उसके सामने एक टेबल पे मल्टीपल डिशेस पड़ी हुई हैं तो वो हर डिश में से इसलिए फ़ूड नहीं लेगा इतनी स्मॉल क्वान्टिटी में कि उसे अपने न्यूट्रेंट्स पूरे करने हैं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में फ़ूड लेगा बिकॉज ही और शी वॉन्ट्स टू ईट दैट ऑल फूड ठीक है उसके बाद इन लोगों का एक बिहेवियर होता है कि ये जब बहुत ज्यादा फूड इनटेक करते हैं तो दे ऑल्सो फील शेम ऑन दैट बिहेवियर ठीक है और इसकी वजह से ये जो अपने सिम्टम्स हैं उनको कंसील करने की कोशिश करते हैं कंसील करने की इसलिए भी कोशिश करते हैं बिकॉज दे फील शेम एंड बिकॉज दे फील गिल्ड अब होता क्या है कि ये अपना ये जो बिहेवियर है ये जब दूसरे लोगों से छुपाएंगे तो उसमें करेंगे क्या दे ईट सीक्रेटली ठीक है ऐसे वक़्त खाएंगे जिस वक्त कोई इनको देख ना रहा हो अकेले बैठ के खाएंगे और ये उस वक़्त तक खाते रहेंगे जब तक कि ये अपने आप को ओवरली फिल्ड नहीं कर लेते यानी दे सेट के दे आर पेनफुली फिल्ड ठीक है तो यानी हैवीनेस की फीलिंग जो है वो ये आमतौर पे रिपोर्ट करते हैं ठीक उसके बाद ये इंडिविजुअल जो हैं जो कम्पनसेटरी बिहेवियर्स जो हैं बिनजीटिंग के जब वो एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें सबसे जो कॉमन फीचर है वो वॉमिटिंग का है ठीक है आप वामिटिंग के लिए डेफिनेटली ये अपने थाट में समटाइम फिंगर्स भी इंसर्ट करते हैं उसके अलावा गैगरेटैक्स भी डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो इस किस्म की जो सबसे ज़्यादा जो इनकी पर्जिंग बिहेवियर जो ऑब्जर्व किया जाता है वो वामिटिंग का है उसके बाद जो इंडिविजुअल्स हैं इसके साथ साथ वो क्या करते हैं कि दे मे फास्ट और मे डू एक्सेसिव एक्सरसाइजेस ठीक है एक तरीका तो हमने ये देखा कि ये वॉर्मेट आउट करते हैं दूसरा तरीका क्या है कि ये फास्ट करते हैं एक दिन या एक से ज्यादा जैसे मैंने आपको बताया था दे माइट बी फास्ट फॉर द ट्वेंटी फोर डेज माइट बी फॉर फोर्टी एट डेज माइट बी फॉर सेवेंटी टू डेज और ये जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव करते हैं ठीक है अब एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं इसके साथ साथ वो इन अप्रोप्रिएट भी होती हैं यानी अगर हम इन अप्रोप्रिएट की बात करें तो वो किस रेफरेंस में है जिस तरह टाइम फॉर एग्जांपल नून का टाइम है बाई ट्वेल्व है या वन है जो आपका मील लेने का टाइम है उस वक्त ये एक्सरसाइज शुरू कर देंगे ठीक है अगर किसी फ्रेंड की तरफ गए हुए हैं या किसी सोशल गैदरिंग में भी गए हुए हैं तो एकदम से टाइम देख उठेंगे और उठ के फ़ौरी तौर पर एकसरसाइज करना शुरू कर देंगे ठीक है तो इस किस्म की जो इन अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज बिहेवियर है वो भी इनमें ऑब्जर्व किया गया है इसके साथ साथ इतनी सर्टन टाइम भी एक्सरसाइज करते हैं कि जिसकी वजह से इनको मेडिकल कॉम्प्लीकेशन भी हो सकती हैं यानी अगर वेट लिफ्टिंग जो है वो बहुत हैवी कर रहे हैं या बहुत देर तक रनिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो नीज हैं वो भी इफ़ेक्ट हो सकती हैं तो इस किस्म का बिहेवियर जो है वो भी ऑब्जर्व किया गया है इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि ये जो बिहेवियर है इनका बुलम नर्वोसा का इसके बावजूद जो इनका वेट होता है वो नॉर्मल रेंज में होता है ठीक है वो बहुत ज़्यादा लो बीएमआई नहीं होता इनका यानी इनका बीएमआई जो है वो 18.5 से ऊपर होगा और 30 से नीचे होगा एडल्ट में इसी को जब आपने चिल्ड्रन में और एडोलसन में देखना है तो परसेंटाइल में चेंज कर देना है जिसका फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम देखा था कि के डिवाइडेड बाई जो उनकी हाइट है उनको मीटर्स में लेकर उस पर स्केयर कर देना उसे आपने ठीक है तो इस तरह की जो बिहेवियर है वो आपको इनका ऑब्जर्वेबल होगा कि इनका वेट जो है वो नॉर्मल है इसके साथ साथ आप ये भी देखोगे कि जो इनकी टोटल कैलोरी कंजम्पशन हैं ये उनको भी सर्टन टाइम कैलकुलेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये लो साइड पे रहें और ये ये भी कोशिश करते हैं कि ऐसा फूड लेने से अवॉइड करें जो कि इनको फैट जो है वो फैटनेस की तरफ लेकर जा सकता है लेकिन अगेन द प्रॉब्लम इज दैट कि ये एक टाइम में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ फूड ले लेते हैं जिससे इनको बहुत ज्यादा हैवीनेस फील होती है और फिर उसको जो है हैवीनेस फील होती है और उस हैवीनेस की वजह से जब इनके अंदर गिल्ट की और शेम की फीलिंग्स डेवलप होती हैं फॉर हैविंग सो मच फूड तो इनका कंपनसेटरी बिहेवियर जो है वो डेवलप होता है और जब इस तरह का फीचर आपके सामने आए तो उसे आप ये कहेंगे कि इस तरह का जो बच्चा है या जो अडोल्सनस है उसे बोलेमा का प्रॉब्लम है थैंक यू